हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे ईवीएस महामाराथन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स जो भी सीटेट और यूपीटेट में आए हुए प्रश्न हैं किस सब्जेक्ट के, ईवीएस के, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के। सो, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये वीडियो पार्ट 3 है ईवीएस का और इसके पहले मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ, उनको अपलोड कर चुका हूँ। सो, आप उनको देख लीजिए और यहाँ पर इस वीडियो में हम ईवीएस के जो शेट है मेरा उसमें क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक डिस्कस करेंगे, 25 प्रश्नों का एक सेट डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो, चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। सो, जो ये भाग होते हैं संविधान के, तो बेसिकली भाग मतलब ना चैप्टर्स होते हैं, जैसे रामायण में कांड होते हैं, ऐसे लंका कांड, सुंदर कांड, ऐसे अयोध्या कांड, ठीक है। सो, इसी प्रकार संविधान में भी भाग दिए होते हैं, ठीक है, मतलब चैप्टर वाइज की चैप्टर 1 है तो इसके अंतर्गत क्या क्या है, ठीक है, कहाँ किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के अंतर आर्टिकल तक कवर करेगा। फिर भाग 2 है जो, ठीक है, पार्ट 2, वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक कवर करेगा। सो, संविधान में 22 भाग हैं, ठीक है, 22 भाग हैं। सो, भाग जो 9वां है उसमें क्या दिया गया है, ये पंचायती राज के बारे में डिस्कशन किया गया है, जो भाग 9वां है, ठीक है। और जो भाग 1 है उसमें डिस्कस किया गया है संघ के बारे में, ठीक है, संघ एंड इसका राज्य क्षेत्र। फिर जो दूसरा भाग है आपका, ठीक है, भाग नंबर 2, उसमें डिस्कस करा गया है सिटीजनशिप, नागरिकता की जो टेरिटरी है, मान लो तो उस टेरिटरी में कौन लोग रहेंगे, ठीक है, सो उनका जो मतलब सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, ठीक है, किसी व्यक्ति को कैसे मान लिया जाएगा कि वो भारत का नागरिक है। फिर जो पार्ट 3 है आपका, भाग 3, तो वो है आपका फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का है वो भाग 3 आपका, मतलब मौलिक अधिकार। भाग 4 है आपका DPSP, जो डायरेक्टिव ऑफ स्टेट प्रिंसिपल्स, राज्य के नीति निदेशक तत्व तो होते हैं, ठीक है। और फिर भाग 4 का में ही आपके मूल जो कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, उनको 1976 में जोड़ा गया, 42 जो अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। और इसके बाद है आपका भाग 5, और भाग 5 में है क्या, भाग 5 में है आपका संघ, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय और लोकसभा, राज्यसभा, सारा सिस्टम आ जाता है, ठीक है। सो, ये रहे बेसिक। तो भाग 9 में क्या है आपका, पंचायती राज सिस्टम है, ठीक है। और इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। सो, जो जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, ठीक है, अजैविक घटक नहीं, कवक अजैविक घटक ये नहीं है, ठीक है। सो, अजैविक घटक कौन कौन से हैं, ऐसे ही आपको एक और क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है, प्रोटीन है, मृदा है, ठीक है, मिट्टी जो सॉयल होती है, इसके बाद फॉस्फोरस, ये क्या है, जैविक घटक हैं, ठीक है, अजैविक घटक हैं, और ये क्या है, कवक क्या है आपका, जैविक घटक नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थल जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर पाई जाती है। सो, कैक्टस, ठीक है, कैक्टस, इसकी पत्तियाँ मोटी मोटी होती हैं और ये जो डिजर्ट एरिया होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है, ठीक है, कि राज्य सरकार क्या कर सकते हैं, ग्राम पंचायत का गठन कर सकते हैं, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान को, तो अनुच्छेद 40, ठीक है, आर्टिकल 40, ये चीज़ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो अपने यहाँ क्या करें, जो सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं, जो पंचायत वाला सिस्टम है उसको इस्टेब्लिश करें। क्लोरो फ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं, CFC सबसे ज़्यादा कहाँ इस्तेमाल होते हैं, यूज होते हैं। सो, यहाँ पर आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का, ठीक है, और ऐसे बीच बीच में मैं एक दो क्वेश्चन डाल देता हूँ जिससे आप उनका आंसर दें कमेंट बॉक्स में, तो आपको भी थोड़ा सा ये पता चलेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है किस लेवल तक की है और क्या आप आंसर कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। सो, मुझे लगता है रेफ्रिजरेटर होना चाहिए क्योंकि फ्रिज सफिशियंट शेप से निकलता है, बट आप इसको सर्च कर लेंगे और देख करके आंसर देंगे, ठीक है। जनगणना जो 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है, लिंगानुपात मतलब सक्स रेशियो, ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब कि जो सक्स रेशियो होता है वो ये होता है कि पर 1000 जो मेल हैं उन पे कितनी अवेलेबल गर्ल हैं, ठीक है, मान लो कि 1000 पुरुष हैं तो 1000 पुरुष के लिए कितनी अवेलेबल, उनके कंपेयर में कि
कितनी अवेलेबल फीमेल हैं, सो 940 है, 940 है, ठीक है, 940 और 1000 का अनुपात था। सो इसके बाद अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? सो ये हुआ था आपका 73वां संशोधन, तब जो है पंचायती राज को क्या दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। कौन सा संशोधन? 73वां संशोधन, 73rd अमेंडमेंट। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? सो इसका आंसर आपको करना है, व्हाट इज द हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम द सन कॉल्ड? सो इसको बोलते हैं सौर विकिरण, ठीक है, सोलर रेडिएशन हम बोलते हैं। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? भूमंडलीय तापन मतलब कि जो अर्थ हीट हो रही है, गर्म होती जा रही है, सो इसका रीजन क्या है? कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन मतलब ग्लोबल, ग्लोबल क्या है, अर्थ ही है अपना ग्लोबल। सो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, जो CO2 है उसकी जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज द मेन रीजन कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, हो रही है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाहिनी जो ईंधन है, वाहिनी मतलब जो ये व्हीकल व्हीकुलर फ्यूल है, किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? सो पर्यावरण स्नेही मतलब इको फ्रेंडली कौन है? सो जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है CNG, सो इसको क्या माना जाता है? इको फ्रेंडली। और आपने देखा होगा बड़े शहरों में तो खड़ी है, और यहाँ इवन की जो छोटे शहर हैं तो वहाँ पर भी इको फ्रेंडली जो व्हीकल है CNG वाले वो चल रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो मध्यमंडल है, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, मध्यमंडल जो बीच वाला है वो क्या है, सबसे ठंडा है, ठीक है। शेके 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 मतलब लाइकेन, इज लाइकेन क्या है, सहजीवी, ठीक है, सहजीवी मतलब जो दूसरे पर डिपेंड तो रहते हैं या दूसरे पर मतलब लाइक करेंगे, ठीक है, बट उनको ना कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते। सो ये होता है क्या, सहजीवी, ठीक है, लाइकेन इज सहजीवी। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? सो राष्ट्रीय सब नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इस्टेब्लिश इन 1961 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है, 1961 में। सो इस प्रश्न में आपको करना है मैचिंग, और मैचिंग में आपके आ गए हैं कि जो भारतीय संघ है, तो बेसिकली यहाँ पर जो हेड होगा उससे मैच करना है आपको, तो भारतीय संघ का हेड होगा मतलब जो पूरा यूनियन ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री होगा PM, एंड जो स्टेट है स्टेट पे क्या होता है, राज्यपाल कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। नगर निगम में मेयर होता है, ग्राम पंचायत में क्या होता है, सरपंच होता है, प्रधान, ठीक है। सो ये होगा आपका, ठीक है। इसके बाद MS स्वामीनाथन क्या थे? एक कृषि वैज्ञानिक है MS स्वामीनाथन, एंड MS स्वामीनाथन को रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी दिया हुआ है क्या, भारत रत्न पुरस्कार, ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार। और किन दो लोगों को मिला है तो उसको आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। MS स्वामीनाथन क्या है, कृषि वैज्ञानिक है। वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक फिनोमेना कॉल्ड? सो इसको बोलते हैं मौसम विज्ञान, ठीक है, क्या बोलते हैं, मौसम विज्ञान। पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? जैसे पर्यावरण अध्ययन हो रहा है, सो इन्वायरमेंटल स्टडीज, तो इसमें क्या हो, एजुकेशनल टूरिस्ट, छात्रों के प्रत्यक्ष अनुभव को बढ़ाना, छात्रों का प्रत्यक्ष अनुभव को, छात्र जाएंगे तभी तो प्रत्यक्ष अनुभव होगा और उससे क्या होगा, उनका एक्सपीरियंस इंक्रीज। अगला प्रश्न है आपका, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है, ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम? सो इकोसिस्टम की जो करेक्ट परिभाषा है यहाँ पर है ऑप्शन नंबर D, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संचलित संतुलित तंत्र, ठीक है। सो इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? सो क्लाउड सीडिंग करते हैं, मतलब कि आर्टिफिशियल रेन करवा लेते हैं। सो इसके लिए कौन सा जो वो यूज करते हैं क्या केमिकल, वो है सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, कौन सा केमिकल है, सिल्वर आयोडाइड जो केमिकल है उसकी हेल्प से यहाँ पर आर्टिफिशियल रेन हो सकती है। LPG के संदर्भ में क्या सही नहीं है? सो LPG एक स्वच्छ ईंधन है, क्या है? सही है, यह एक उच्च ऊष्मीय मान का है, उच्च ऊष्मीय मतलब कि जैसे ना लकड़ी काफ़ी जलाओगे तो उतनी जो हीट है वो प्रोड्यूस होगी, बट LPG आपने थोड़ा सा जलाए तो तुरंत जो टेम्परेचर इंक्रीज कर देगी अगर किसी पॉट का है, और ये काफ़ी जो इसका हीट की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, नीली ज्वाला से जलने वाला है, ठीक है, तो ये सही है, मीथेन उत्सर्जन करने वाला। सो मीथेन नहीं रिलीज करता है LPG, सो यही क्या है, गलत है यहाँ पर, ठीक है, सही नहीं है।
टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह? टाइटन, टाइटन इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ व्हिच प्लेनेट? सो सनी, जो ठीक है सैटर्न उसका है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी अवनति पर, ये अवनति पर झुकी हुई है, ठीक है। एट व्हाट एंगल इज द अर्थ टाइटल टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस? सो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ठीक है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अगला प्रश्न, लोकसभा चुनाव है तो अधिसूचना कौन जारी करता है? सो इसका भारत का निर्वाचन आयोग, जो ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सो वही जारी करेगा कि अभी लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न है आपका, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? द इंटरकनेक्टेड ग्रुप ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड? सो इसको क्या बोलेंगे, फूड वेव बोलेंगे, फूड वेव या फूड चेन, ठीक है, खाद्य जाल। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था, ठीक है। सो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI? सो हीरालाल जे कानिया वो थे, ठीक है, क्या थे, हीरालाल जे कानिया फर्स्ट CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अभी भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन, जस्टिस DY चंद्रचूड़, ठीक है। सो अभी वो सुप्रीम कोर्ट के CJI हैं। सो ये रहे आपके 25 क्वेश्चंस, एंड आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा आपके CTET और UPTET की प्रिपरेशन के लिए। सो ऐसे ही CTET और UPTET की प्रिपरेशन करते रहिए, और आने वाला जो जुलाई 2024 का CTET है उसमें जो है आपको 30 out of 30 EVS के क्वेश्चन हैं उनको करके आना है, ठीक है। और ये वीडियो नंबर 3 था EVS का, सो इसके बाद वीडियो नंबर 4 में लाऊंगा। सो चैनल में बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है, कहीं पर कोई कंफ्यूजन है, सो वीडियो में कमेंट कीजिए और वहाँ पर, ताकि मैं इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड